नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश नेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक भारत और उसके पड़ोसी। भारत और उसके पड़ोसी में हमारा अध्ययन है भारत पाक संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत चीन संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध और भारत नेपाल संबंध। यानी हमारे पांच देशों के संबंध, पांच देशों के भारत, पांच भारत के पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है, उनमें हमारा अध्ययन करना है, जिसमें हमने चार देशों का अध्ययन पूर्व में कर दिया। हमने पाक का साथ भारत के संबंध कर दिए, श्रीलंका के साथ कर दिए, चीन के साथ कर दिए, बांग्लादेश के साथ। नेपाल का जो अध्ययन हमारा चल रहा है, नेपाल का अध्ययन आज तक जो हमने अध्ययन किया, भारत नेपाल संबंध 1947-1962 का हमने अध्ययन किया, जो कि भारत और नेपाल के बीच बेहद अच्छा संबंध था। भारत नेपाल संबंध 1962 और 1970 का हमने अध्ययन किया। ये जो दौर था, ये दौर ऐसा था भारत नेपाल संबंधों के बीच में कड़वाहट आई। तीसरा, हमने भारत नेपाल संबंध 1970 से 1979 के बीच रहा, जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, उन्होंने भारत और नेपाल के संबंधों की सुधारने की कोशिश की। फिर हमारा संबंध था भारत नेपाल संबंध 1979 से 2013 वाले संबंध में हमने दो पॉइंटों का अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया। द्विपक्षीय संधि के बाद बिगड़ा माहौल और उन बिगड़े हुए माहौल को सुधारने के लिए भारत और नेपाल ने क्या प्रयास किए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है भारत नेपाल संबंध मतभेद के बिंदु। भारत नेपाल संबंध मतभेद के बिंदु क्या है? भारत और नेपाल जो संबंध है, भारत नेपाल को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि अगर नेपाल की कड़ी को भारत छोड़ देता है तो चाइना का सीधा हस्तक्षेप भारत की तरफ आ जाता है। भारत नेपाल के सुरक्षा संबंधी हित समान होने पर भी उनके संबंधों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। कई बार बहुत अच्छे संबंध रहे, कई बार बहुत अच्छे संबंध बिगड़ गए। अनेक बार भारतीय हितों की अपेक्षा करते हुए, भारतीय हितों के विरुद्ध नेपाल ने साम्यवादी चीन के साथ समझौते किए। भारत और नेपाल में गलतफहमियां विद्यमान रही है। वस्तुओं के लिए पारगमन की सुविधाएं और व्यापार संचालन के संबंध में भी मतभेद रहे। नेपाल के बीच की गतिविधियां भारत विरोधी और विध्वंसात्मक रही है। नेपाल द्वारा काठमांडू ल्हासा सड़क मार्ग बनाने के संबंध में चीन के साथ समझौता स्पष्ट, नेपाल का चीन के साथ संबंध स्पष्ट रूप से भारत विरोधी कदम था। एवरेस्ट पर्वत पर संबंध में नेपाल चीन के पारस्परिक संबंध समझौता भारत के प्रति विश्वासघात था। आजकल नेपाल का निवेदन रहता है कि नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित किया जाए। भारत सरकार का यह दृष्टिकोण है कि केवल नेपाल ही क्यों, संपूर्ण उपमहाद्वीप, संपूर्ण जो भारतीय उपमहाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप को शांति क्षेत्र घोषित किया जाए। चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ने नेपाल के दृष्टिकोण का समर्थन किया। ये चारों देश भारत के भी पड़ोसी हैं। 1983 में राष्ट्रपति रिगन ने नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने की मांग का समर्थन किया। आलोचना करने वाले इसे भारत विरोधी प्रस्ताव मानते हैं। उनके अनुसार यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत में एक प्रकार का दोषारोपण है कि भारत नेपाल के लिए खतरा है। संभवतः नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने के पीछे नेपाल का प्रधान उद्देश्य भारत के प्रभाव और विशिष्ट स्थिति को नकारना है, जिसे वह अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व की खोज में बाधक मानता है। वह उसकी भारत और चीन के मध्य ऐतिहासिक संतुलनकारी भूमिका का एक रूप हो सकता है। नेपाल इस प्रस्ताव को भारत में अधिकाधिक आर्थिक सहायता पाने के लिए एक सौदेबाजी के आधार पर उपयोग करना चाहता है। कि किस चीज को सौदेबाजी का उपयोग करना चाहता है? शांति क्षेत्र के नाम से। नेक्स्ट है नेपाल में इमरजेंसी और भारत की चिंता। नेपाल में इमरजेंसी, और भारत की चिंता, नेपाल में इमरजेंसी और भारत की चिंता। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने जून 2000
एक ने अपने भाई राजा वीरेंद्र सिंह और उसके परिवार की हत्या के बाद बहुत ही रहस्यमय और संदेशात्मक स्थितियों में नेपाल की राजगद्दी संभाली। नरेश बनने के बाद से ही ज्ञानेंद्र ने संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने, संसद भंग करने, अपनी मर्जी से प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त करने, उन्हें नियुक्त करने का कार्य किया। गौरतलब है नेपाल में ज्ञानेंद्र द्वारा यह सब तब किया जा रहा था जब नेपाल में माओवादियों द्वारा खूनी संघर्ष जारी था, साम्यवादियों द्वारा खूनी संघर्ष जारी था। 1 फरवरी 2005 को नरेश ने नेपाल में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का विध्वंस करते हुए पूर्ण राजशाही स्थापित कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विदेश सचिव श्याम शरण ने 2 फरवरी को घोषणा की कि प्रधानमंत्री ढाका की सार्क देशों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल भारत लोकतंत्र विरोधी के साथ एक मंच साझा नहीं करना चाहता था। भारत द्वारा नेपाल को दी जाने वाली सैन्य सहायता को बंद कर दिया गया। अप्रैल 2005 में जकार्ता में एफ्रो एशियाई देशों के सम्मेलन के समय नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट में भारत ने नेपाल में लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल करने पर जोर दिया। भारत सरकार ने नेपाल को सैनिक सहायता बहाल करने का निर्णय भी इसीलिए किया कि सैनिक मदद रोकने से माओवादियों का नियंत्रण स्थापित करने में नेपाल को परेशानी हो रही थी। नेक्स्ट है नेपाल में लोकतंत्र की बहाली तथा भारत की भूमिका। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली तथा भारत की भूमिका। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली तथा भारत की भूमिका। जनवरी 2005 में राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने सारी राजनीतिक कार्रवाइयां प्रतिक्रियावादी रही। सत्ता के अधिकरण ने जहां माओवादी आंदोलन को मजबूत किया, वहीं राजनीतिक दमन और उत्पीड़न की नीति से राजा एवं राजनीतिक दावों के मध्य गहरी खाई पैदा कर दी। राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता का केंद्र बने रहने की प्रबल इच्छा का परिणाम यह है कि राजनीतिक दल व माओवादी एक मंच पर आ गए। वहाँ जितने भी विरोधी थे, आपस में विरोधी थे, वो सारे के सारे एक मंच पर आ गए। नेपाल में लोकतंत्र बहाली के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राजशाही विरोधी प्रबल जन आंदोलन के आगे झुकते हुए राजा ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल 2006 को पुरानी संसद को बहाल किए जाने की घोषणा की। ज्ञानेंद्र के रवैये के कारण भारत के लिए राजशाही और लोकतंत्र के दो पायों पर खड़ी नेपाल नीति जारी रखना मुश्किल हो गया। नरेश को समझाने और दबाव बनाने के लिए भारत के डॉक्टर करण सिंह ने को नेपाल भेजा। भारत ने बेहद जल्दबाजी से राजा ज्ञानेंद्र की अधूरी घोषणा पर का स्वागत किया और संघर्ष नेपाली जनता की तिखी नाराजगी अर्जित कर दी, क्योंकि नेपाली जनता द्वारा राजशाही को दमनकारी वैधता का परोक्ष समर्थन रूप से लिया गया। लोकतंत्र की राह में चल रहे नेपाल के 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। पहला यह है कि नई संसद में राजा ज्ञानेंद्र के करीबी सारे अधिकार छीन लिए। दूसरा, संसद अब सर्वोच्च होगी। तीसरा, यह माओवादियों ने अंतिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 से 9 जून 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेपाल की बदहाली सुधारने के लिए मदद की पेशकश की। नेपाल को दिए जाने वाले पैकेज में 3 चीजें शामिल थी। 1, नेपाल सरकार को बजट के लिए 1 मुश्त 100 करोड़। 2, ढांचागत विकास के लिए 10 करोड़ डॉलर। 3, नेपाल को दिए जाने वाला अनुदान 65 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ सालाना कर दिया। 4, नेपाल को 2500 टन खाद,
नंबर 5, नेपाल से आयात होने वाले सामानों पर सीमा शुल्क कर में छूट दी गई, यानी नई सरकार बनने के बाद मनमोहन सिंह ने नेपाल की भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेपाल की बदहाली के लिए बदहाली को ठीक करने के लिए 5 पेश कैसे की। नंबर 1, 100 करोड़ का एक मुश्त बजट दिया, 10 करोड़ का ढांचागत 10 करोड़ का ढांचागत निर्माण विकास के लिए बजट दिया। नेपाल को जो सालाना 65 करोड़ रुपए वार्षिक अनुदान मिलता था उसको बढ़ा के 150 करोड़ कर दिया। 2500 टन कृषि के लिए खाद दी गई। और 5, नेपाल को नेपाल से जो सीमा सामान भारत में आता था उसमें सीमा शुल्क में छूट दी। नेपाल ने 11 वर्षों से चला रहा संघर्ष, यानी जो संघर्ष 2001 में चला था उससे पहले जो विवाद हुए थे, उस 11 वर्षों से जो संघर्ष चला रहा था माओवादियों का संघर्ष, 21 नवंबर 2006 को समाप्त हो गया जब सात राजनीतिक दलों की लोकतंत्र की स्थापना की गई। उस लोकतंत्र की स्थापना में अंतरिम सरकार के साथ माओवादियों द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों पक्ष इस बात में सहमत हुए कि नेपाल देश को सभी अधिकार वापस लिए जाएंगे तथा साहिल महल से जुड़ी समस्त संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। माओवादियों ने सशस्त्र आंदोलन के चलते हिंसक घटनाओं से 13,000 से अधिक लोग पिछले दशक में मारे गए थे। भारत ने उस समझौते का स्वागत करते हुए सरकार और माओवादियों के बीच इस संधि में नेपाल शांति लोकतंत्र डगर पर आगे बढ़ सकेगा। नेपाल की विगत 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही 28 मई 2008 को समाप्त हो गई, जो 1860 से चली आ रही थी। नव निर्वाचित संविधान सभा में देश को धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतंत्र घोषित किया। संविधान सभा के इस निर्णय से ज्ञानेंद्र अब नेपाल नरेश नहीं रहे, उनका दर्जा आम नागरिकों के समान हो गया। भारत के विदेश सचिव ने 18 से 20 जनवरी 2011 को नेपाल की यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति, विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री, फिजिकल प्लानिंग एवं वर्ष मंत्री तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौतों, दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ तथा बहुआयामी संबंध बढ़ाने और उनको सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। विदेश सचिव ने सभी नेताओं की मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत नेपाल को एक प्रजातांत्रिक, स्थायी, समर्थशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है और उन्होंने नेपाल में बहुपक्षीय प्रजातंत्र को सुदृढ़ करते हुए नेपाली नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए संविधान की प्रारूप प्रक्रिया में भारत की ओर से समर्थन देने का आश्वासन दिया। विदेश सचिव ने विभिन्न संस्थागत तंत्रों में शीघ्र बैठक बुलाने की अपील की। उन्होंने भारत सरकार की सहायता से नेपाल में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नेपाल सरकार के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव, नेपाल के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव ने 27 जनवरी से 5 फरवरी 2011 की भारत यात्रा में सरकारी यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यूपीए अध्यक्षा, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभाओं के विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। वे मेडिकल कॉलेज कोलकाता तथा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे। विदेश मंत्री M.S. कृष्णा ने 20 से 22 अप्रैल 2011 को तथा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 नवंबर 2011 को नेपाल की यात्रा की। नेपाल के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव ने 22 से 29 दिसंबर 2012 तक भारत के सरकारी दौरे पर आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से मुलाकात की। डॉक्टर रामवरण यादव ने महामहिम पंडित मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में भाग लिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें एल एल डी
LLB की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 अगस्त 2004 को नेपाल का आधिकारिक दौरा किया। मोदी ने नेपाल की विधानसभा विधायी संसद को संबोधित किया। मोदी पशुपतिनाथ मंदिर भी गए और मंदिर को 2500 किलो चंदन की लकड़ी उपहार भी दी। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने काठमांडू दिल्ली बस यात्रा सेवा पशुनाथ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पनौमी प्रस्तावित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ भारतीय रुपए की लागत निधि प्रदान की। भारत ने नेपाल सेना को एक ध्रुव उल्फा हेलीकॉप्टर मारक 3 सौंपा। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए भूकंप से भारत ने ऑपरेशन वृत्ति अभियान के अंतर्गत सहायता प्रदान की, हजारों लोगों को राहत पहुंचाई। नेक्स्ट है हमारा नेपाल चीन पेट्रोलियम उत्पाद समझौता। नेपाल चीन पेट्रोलियम उत्पाद समझौता पेट्रोलियम उत्पाद समझौता भारत में होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भारी कमी हो जाने के बाद भारत से जो पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल को मिलते थे उनमें कमी हो जाने के कारण नेपाल ने चीन का रुख किया। नेपाल ने 28 अक्टूबर 2015 को पेट्रो चाइना के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अंतर्गत नेपाल को चीन की ओर से 1,000 मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादन तथा 13 लाख लीटर गैसोलीन की आपूर्ति की जाएगी। नेपाल के साथ समझौते कर ड्रेगन ने कूटनीति के मोर्चे पर भारत को पटखनी दे दी। भारत नेपाल संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश की। वह हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है ताकि भारत का प्रभुत्व कम किया जा सके। नेपाल ही नहीं, चीन की नज़र श्रीलंका पर भी है, चीन की नज़र पाकिस्तान पर भी है, और चीन की नज़र बांग्लादेश पर भी है, और चीन की नज़र नेपाल पर भी है। जहाँ तक नेपाल की बात है तो इस हिमालय राष्ट्र को इस समय कम्युनिस्ट सरकार है जिसका रूप चीन की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार है। चीन और नेपाल समझौता मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। 2014 में जब मोदी ने नेपाल यात्रा पर गए तो उन्होंने संबंधों की पटरी पर लौटाने के लिए हर संभव प्रयास का वादा किया। नेपाल की जनता ने भी पूरा भरपूर सहयोग स्वागत किया, लेकिन समझौते ने साबित कर दिया कि भारत को नेपाल नीति का फिर से विचार करने की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट है भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया नेपाल मामला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया नेपाल मामला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया नेपाल मामला। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहली बार भारत ने नेपाल मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने 5 नवंबर 2015 को भारत नेपाल में बढ़ती हिंसा, राजनीतिक स्थिरता, बढ़ते भेदभाव की शिकायत। जेनेवा में चल रहे UNRHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की स्पेशल बैठक में भारत के प्रतिनिधि बीएन रेड्डी ने कहा कि अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब नेपाल के लोगों को एक और बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। नेपाल में राजनीतिक बदलाव और बढ़ती हिंसा से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सितंबर को आए नई संविधान के बाद तो हालात और बदतर हो गए। भारत ने नेपाल सरकार से आग्रह किया कि वो हिंसा के मामलों की जांच करे और दोबारा ऐसी घटना न हो ये सुनिश्चित करे। नए संविधान के विरोध में हिंसा के अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों लोग घायल हुए।
भारत इस मामले में नेपाल की ओर से कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाए जाने से परेशान है। इस बीच मदेशी विरोधी भारत नेपाल सीमा पर ट्रकों के आवाजाही बंद होने से नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भारत पर बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। भारत ने नेपाल को जिम्मेदार ठहराया। थापा के अनुसार सामान का आवाजाही रोकना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने पूछा, क्या नेपाल अपना संविधान अपने अनुसार नहीं बना सकता? फिर जब ऐसे समुदाय भारत नेपाल के बीच कड़वाहट आई चीन समझौते के बाद, तो भारत और नेपाल ने नो समझौते किए। भारत नेपाल के बीच नो समझौते, भारत नेपाल के बीच नो समझौते, भारत नेपाल के बीच नो समझौते। फरवरी 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पहली संबंधों के बिगड़ने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच महीनों से चल रही खटास दूर हुई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के उपस्थित सहयोग से नौ समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिनके अंतर्गत भारत नेपाल की सीमा की तराई में 518 किलोमीटर में 17 सड़कें बनाना निश्चित किया। हम आगे बात करते हैं निष्कर्ष, आगे बात करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं भारत संबंधों और भारत नेपाल के संबंधों में जूनियर भागीदारी में मनोविज्ञान से ग्रसित, दक्षिण के पड़ोसी में अधिदेशी का आकाश का भूत उसे सताता रहता है। नेपाल भारत और चीन के साथ समदूरी सिद्धांत के आधार पर विकसित करना चाहता है, जिससे वह चीन को संतुष्ट किया जा सके, परंतु भारत समदूरी सिद्धांत को नहीं मानता, अतः उसे नेपाल को विकसित चाहता है। उनका कहना है कि नेपाल एक आंतरिक देश है और अपना संबंध चाहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा भारत पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन। इसमें यह है, पड़ोसी देशों के भारत के संबंध विवेचना करने में यह लक्षण स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति इस क्षेत्र में बुरी तरह विफल रही है, इन पांचों देशों के साथ विफल रही है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत की कटु विवाद उभरते रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका के संबंध में तो बल प्रयोग की आवश्यकता भी बल पड़ी है। प्रखर राजनीतिज्ञ डॉक्टर शशिर गुप्ता के अनुसार इन छोटे प्रदेशों में एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, वो अपने स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान के लिए भारत विरोध का स्वर निरंतर मुखर करते हैं। अनेक पड़ोसी देशों के साथ साथ ऐसी स्थिति में अनेक पड़ोसी देशों के साथ साथ बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप को आमंत्रित करके भारत को कृत्रिम रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमने भारत और रूस के पड़ोसी देशों का अध्ययन किया, जिसमें भारत पाक संबंधों की बात होगी, भारत श्रीलंका की होगी, भारत चाइना की होगी, भारत बांग्लादेश होगी, भारत नेपाल होगी, और भारत नेपाल संबंधों की जो बात थी हमने चार पॉइंटों में किया। भारत नेपाल संबंधों को हमने चार पॉइंटों में समझने की कोशिश की। भारत नेपाल संबंध 1947-1962, भारत नेपाल संबंध 62-77, भारत नेपाल संबंध 77-79, भारत नेपाल संबंध 1979-2013, द्विपक्षीय समिति के बाद बिगड़ा माहौल और भारत नेपाल संबंधों में सुधार के प्रयत्न। फिर भारत नेपाल संबंधों में जो बिगड़ा माहौल था उसके संबंध में मतभेद के बिंदु क्या थे, उनको दूर करने के प्रयास किए। नेपाल में इमरजेंसी हुई तो भारत को चिंता हुई, भारत ने उसको बहाली के प्रयास किए। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नेपाल चीन पेट्रोलियम उत्पादन का जब समझौता हुआ फिर संबंध वापस बिगड़े। जब ये संबंध वापस बिगड़े तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में संघ उठाया नेपाल का मामला, वहां जो लोग संविधान लागू होने के बाद जो कत्लेआम हुआ उसको रोकने और जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया। जब ये मामले उठे तो भारत नेपाल के बीच नो समझौते हुए। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत के संबंध नेपाल के साथ ठीक नहीं रहे, और मूल्यांकन हम विदेश नीति का करते हैं जो ये कहते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों ने भारत अच्छे संबंध चाहता है, परंतु भारी ताकतों द्वारा भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं रहे। थैंक यू, धन्यवाद।